नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ हैं फौजी जनता पार्टी के अध्यक्ष राम मेहर मलिक जी। मलिक जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। धन्यवाद कोमल। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हर साल जब सरकार नहीं आती है तो वो भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा करती है, लेकिन हम खुद भी जानते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होने की जगह और ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोमल, एक्चुअली सच्चाई बताऊं मैं आपको, भ्रष्टाचार को तो ना ये लोग सीढ़ियों के तौर पर यूज करते हैं कुर्सी तक जाने के लिए, इसके ऊपर चढ़ के जाते हैं वो बड़े बड़े लंबे वादे करके हम भ्रष्टाचार खत्म। लेकिन ताजुब की बात है, पूरा देश जानता है भ्रष्टाचार कर कौन रहा है, यही लोग तो कर रहे हैं। अगर देश भ्रष्टाचार कर रहा है तो सरकार वाले आकर के सरकार में बैठ के कानून बना के भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जनता थोड़ी कर रही है, भ्रष्टाचार तो यही लोग कर रहे हैं। तो जो खुद ही कर रहा है तो वो बेवकूफ बना के जनता को ये मोहित करेगा, हाँ बड़े अच्छे आदमी है ये भ्रष्टाचार कम करेंगे, और जनता इनको वोट दे देती है, यानी कि इसको सीढ़ी के तौर पर इसको यूज करते हैं। असल में भ्रष्टाचार फैला ही रहे हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर हमने एक रिसर्च किया था कि भ्रष्टाचार है क्या चीज, कहाँ से आता है, कौन से पेड़ पर लगता है। ये सभी कहते हैं, बिल्कुल आपने ठीक पूछा है, हर कोई कहता है, हर पार्टी कहती है हम करेंगे, लेकिन कोई करता नहीं है, कुर्सी पर जाते इसे भूल जाते हैं और जो पहले से करते आ रहे थे उसी को और बढ़ावा देते हैं। भ्रष्टाचार एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो केवल सबसे पहले जो प्रक्रिया शुरू होती है वो उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया होती है। उम्मीदवार का चयन करते हैं, भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसको टिकट देना है, उस दूसरी से किसको देना है, तो वो जो चयन प्रक्रिया है मैं समझता हूं वो भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की मां है, वहीं से भ्रष्टाचार पैदा होता है। क्योंकि यहां जो चयन किया जाता है, कोमल देखिए, जनता का काम करना है, उसने जो प्रतिनिधि चुन के जाएगा उसको जनता का काम करना है, तो जनता को पता है ना कि हमारे लिए कौन आदमी सही है, तो ये चुनाव तो चयन तो उसको जनता को करना चाहिए। ये चयन करती है पार्टियां, तो पार्टियां उस आदमी का चयन करती हैं जिसके थ्रू इन्होंने कमाई करनी है। जो गुंडे ज्यादातर हर कोई नहीं, अच्छे लोग भी हैं वहां पर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर गुंडे लोग हैं, बदमाश हैं, और वो फिर अपनी गुंडागर्दी करके पैसा हड़पते हैं, जनता को लूटते हैं, उनकी जो है ना कुछ उनके हितों का कोई ध्यान नहीं करते और पूरा जनता का पैसा लूट जाते हैं, और भ्रष्टाचार को इस तरीके से बढ़ावा मिलता है। वो टिकटें खरीदते हैं, अगर 5 करोड़ 7 करोड़ की टिकट खरीद के लाएगा एक आदमी तो उसको तो तकलीफ होगी, अगर वो हार गया तो वो जीतने के लिए 5-7 करोड़ और हल्के में जनता को बांटेगा, रिश्वतखोरी जो भी करेगा, गलत सलत काम करेगा, और फिर वो चुनाव जीत जाता है। तो जीतने के बाद क्या उससे अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं? अगर हम ये समझेंगे कि वो जनता का कोई कल्याण करेगा तो ये बेमानी होगा, वो कभी जनता का कल्याण नहीं करेगा, वो अपना, अपने पार्टी के बॉसेस का और अपने चहितों का, उन्हीं का कल्याण करेगा और किसी का नहीं करेगा। क्योंकि आप लगाइए, उसको जो पैसा खर्च किया है पहले उसको कमाएगा, उसको कमाने के बाद में 5 साल बाद फिर दोबारा चुनाव आएगा, फिर उसके लिए भी रिजर्व करेगा, उसके बाद अपने बॉस को जिसने टिकट दिया है उसकी सेवा करेगा, तो ऐसे निकल जाएगा। ये भ्रष्टाचार एक्चुअली बढ़ता वहीं से है, तो टिकट जो देती है वो तो पार्टियां देती हैं, तो भ्रष्टाचार कौन फैला रहा है, वही फैला रहे, टिकट बेचते हैं वो। तो ये कोमल, इसको रोकने का एकमात्र तरीका, सबसे बढ़िया तरीका, ये चुनाव के दौरान जो उम्मीदवार का चयन होता है ये तुरंत पार्टियों के हाथ से छीन लेना चाहिए। इन्होंने जबरदस्ती लिया, उनका हक नहीं है। चुनाव तो उम्मीदवार का चयन तो जनता करेगी, हल्के के लोग करेंगे कि उनको किस आदमी के ऊपर भरोसा है, कौन आदमी उनका काम करेगा। तो जिस दिन ये हो जाएगा, जनता जिस दिन खुद अपना उम्मीदवार छांटेगी, उस दिन ये भ्रष्टाचार के ऊपर बिल्कुल, मैं कहता हूं टोटली एकदम नहीं होगा, लेकिन पूरी तरह लगाम लगेगी और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। तो एक तो ये हमें जो उम्मीदवार का चयन है वो जनता द्वारा, जनता के हाथों में लेना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इतने दुखद हैं, आप कहीं भी देख लीजिए, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधि नहीं है, वो पार्टी का प्रतिनिधि है, जबकि हमारे संविधान में तो ये लिखा है कि हम जनप्रतिनिधि चुन के भेजेंगे। अब वो क्योंकि पार्टी का प्रतिनिधि, इसलिए उसको जनता की चिंता नहीं है। हर जगह लूट खसोट, कोई एजेंसी जा रही है, किसी को दूसरों के, किसी के व्यापार भी शुरू करा रहे हैं, या कोई किसी को, कई लोग जो है ना कोई अप्लाई करते हैं हर चीज में, किसी को अपना व्यापार शुरू करने के लिए लाइसेंस चाहिए, हर चीज में भ्रष्टाचार है, हर चीज में करप्शन है, क्योंकि वहां भ्रष्ट आदमी बैठा है। अगर वहां ईमानदार बैठेगा तो हर चीज में ईमानदारी होगी, फिर पूरी तरह से पारदर्शिता होगी, तो कहीं भी ये भ्रष्टाचार नाम की चीज आपको दिखाई नहीं देगी, सारे काम ईमानदारी से होंगे। तो ये बहुत दुखद है, ये भ्रष्टाचार करने वाले यही लोग हैं। फौजी जनता पार्टी का ये संकल्प है कि भ्रष्टाचार नाम की यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी,
किसी भी गलत आदमी को यहाँ टिकट नहीं दिया जाएगा। जो भ्रष्ट है वो हमारे से बहुत दूर, उसका उसका हमारे से कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। हम बिल्कुल ईमानदार लोग लेंगे और जनता से ही हम उम्मीदवार लेंगे, जनता की पसंद का वो लेंगे। हम उनको टिकट फ्री में देंगे, हम टिकट बेचेंगे नहीं, टिकट फ्री में देंगे। जब उसको टिकट फ्री में मिला है तो वो फ्री में चुनाव भी लड़ेगा, तो उसको पैसा खर्च नहीं करना, तो वो कमाने की क्यों सोचेगा। तो ये रिश्वत लगाम तभी लगेगी कौन, जब जनता के प्रतिनिधि चुन के जाएंगे वहां। जब तक पार्टी के जाते रहेंगे भ्रष्टाचार फैलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। धन्यवाद आपका, जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।